भोजपुरी की सभी हीरोइनों से अलग काजल राघवानी क्यों हैं? लोग उन्हें देखने के बाद, उन्हें जानने के बाद उन्हें ये क्यों कहते हैं कि ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ये बहुत समझदार हैं, इन्हें एक्ट्रेस वाला कोई नखरा और टेंट्रम भी नहीं है। आज हम काजल राघवानी से जुड़ी आपको एक खबर नहीं दो खबर बताएंगे, लेकिन पहली खबर सुन लीजिए। काजल राघवानी इन दिनों गुवाहाटी में थी और गुवाहाटी में वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ी फॉलोवर्स रहती है। आपको बता दें कि गुवाहाटी से जब वो मुंबई आ रही थी तभी उन्हें प्लेन में एक उनका फैन मिला। उसके पास न मोबाइल था और ना ही काजल राघवानी के पास पेन कि उसे ऑटोग्राफ दे सके। ऐसे में काजल राघवानी ने अपना मोबाइल निकाला और उनके साथ एक सेल्फी ली और वो सेल्फी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। साथ ही साथ उस व्यक्ति से ये कहा कि अगर तुम्हारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप हैं तो तुम उससे चेक कर लेना, तुम्हारे साथ मेरी फ़ोटो मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगी। तो रही काजल राघवानी की दरिया दिली, जहां पर उनके फैंस के कहने पर ही उन्होंने उसके साथ सेल्फी भी ली और उसे ये भी कहा कि मैं तुम्हारी फोटो जरूर पोस्ट करूंगी। ये बात याद रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी खबर हम जो आपको देने वाले हैं वो ये है कि काजल राघवानी का साल बड़ा ही अच्छा गुजरा है। कूली नंबर वन हो, मैंने उनको सजन चुन लिया हो और फिर उनकी आने वाली तकरीबन 3 से 4 फिल्में इस साल रिलीज होंगी। काजल राघवानी कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं और आपको बता दें कि ये भोजपुरी की आजकल नंबर वन एक्ट्रेस है। भोजपुरी का हर बड़ा एक्टर, हर बड़ा डायरेक्टर इन्हें अपने साथ फिल्मों में काम के लिए कास्ट करना चाहता है। भाई जब हीरोइनों के नखरे ही नहीं होंगे तो ऐसी हीरोइन के साथ काम करना कौन नहीं चाहता। वैसे काजल राघवानी अपने पर्सनल लाइफ को लेके सुर्खियों में भले न रहे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना और उन्हें सुर्खियों में रखना उन्हें आता है। काजल राघवानी से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।